और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर खेल के मैदान से, मुंबई टेस्ट में भारत ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। भारत की शानदार जीत, भारत ने 372 रनों से जीत दर्ज की और इस जीत में न्यूजीलैंड को हराया है। जी हां, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड सिर्फ 167 रनों पर ही सिमट गई है। बड़ी खबर खेल के मैदान से सामने आ रही है, इसे बहुत बड़ी ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी जीत दर्ज की है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी मजबूत ये कहा जाए कि टीम मानी जाती है। और वैभव बोला मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ में, वैभव भारत की बेहतरीन शानदार जीत। देखिए नैना, बेहतरीन शानदार के साथ ही हिंदुस्तान की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत भी होगी। आज भारत ने 372 रनों से हराया। और अगर मैं बात करूँ इससे पहले जो आपकी सबसे बड़ी जीत थी वो 337 रन थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2015 में, और आज आपने उसको ओवरटेक करते हो 372 रन से है। और अब टेस्ट क्रिकेट में हर मैच जीतना, हर सीरीज जीतना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अब टेस्ट क्रिकेट जो खेला जाता है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेला जा रहा है। और आपने पहला मैच ड्रॉ किया था, बहुत अनफॉर्चुनेट रहे थे कि पहले मैच में एक विकेट आप नहीं ले पाए थे लास्ट में, लेकिन इस मैच में इंडियन टीम ने कॉम्प्रिहेंसिव जीत दर्ज की है। जब आपने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 62 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था तो उसके बाद चीजें बहुत क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ से न्यूजीलैंड का कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान की अपने घर में लगातार 14वीं टेस्ट सीरीज जीत है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लगातार इंडियन टीम, आखिरी बार इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया था तब से लेके अब तक हिंदुस्तान अपने घर में कभी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। जो लगातार ये विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही है इंडियन टीम की, ये बताता है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में आकर हराना मतलब अब तो इम्पॉसिबल हो चुका है। और शानदार यहाँ पे बात करनी होगी मयंक अग्रवाल की, जिस तरीके से उन्होंने पहले बल्लेबाजी की, अक्षर पटेल की गेंदबाजी, जयंत यादव की गेंदबाजी, आर अश्विन का परफॉर्मेंस, शुभमन गिल के वो इंपॉर्टेंट है। तो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट रहा है पूरा इस मैच में, तो एक शानदार जीत, एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत है इंडियन टीम की। तो आगे आपको आपने दक्षिण अफ्रीका जाना है उससे पहले काफी एक अच्छा मोमेंटम देगा आपको। बिल्कुल वैभव, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो भारत ने न्यूजीलैंड को के साथ में ये कहा जाए कि 372 रनों से न्यूजीलैंड को हरा दिया है और बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन भारतीय टीम का जरूर रहा। ये कहा जाए कि जिस तरह से वैभव भी बता रहे थे कि यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों का जो बेहतरीन प्रदर्शन था वो वाकई में काबिले तारीफ है। खासतौर से अगर हम पिछले अभी तक के इस तरह से मैचेस की बात करें तो ये मुंबई टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है। सीरीज अब 1-0 से भारत ने जीत ली है।